हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इलिप्स एंड इलिप्स आर्क के बारे में। ये हमारा ऑटोकैड का ट्यूटोरियल नंबर 6 है। इससे पहले आपने ट्यूटोरियल 5 तक नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। इससे पहले हमने आपका ट्यूटोरियल नंबर 5 तक कवर किया है ESP लाइन तक। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ये जो है इलिप्स के बारे में एंड इलिप्स आर्क के बारे में बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि इलिप्स होता क्या है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कोई सर्कल लेते हैं तो सर्कल में सारी डायमेंशन जो होती है वो चारों तरफ का डायमीटर मान लो या चारों तरफ का रेडियस मानो वो पूरा सेम होता है। बट इसमें इलिप्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको दो तरह का इस तरह का ये डायमीटर अलग चाहिए हो, इस तरफ का डायमीटर अलग चाहिए हो, तो इसको इस आकृति को इलिप्स बोलते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा जो डायमीटर है ये इसका 4 है एंड इस तरफ का ये वर्टिकल डायमीटर है ये आपका 10 है। तो इस आकृति को इलिप्स बोलते हैं गाइस। तो चलिए इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कमांड से वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इलिप्स की आपकी शॉर्टकट की है EL एंटर इलिप्स के लिए। अब ये बोल रहा है गाइस स्पेसिफिक एक्सिस एंड पॉइंट इलिप्स और आर्क। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट पर आप क्लिक कर देंगे, किसी भी फर्स्ट पॉइंट पर ये क्लिक हो गया। देन सेंड सेकेंड पॉइंट पे, ये अर्थ मोड अगर ऑन ना हो तो ऑन कर लीजिएगा। तो सेकेंड एंड पॉइंट पर, अगर एंड पॉइंट डालना चाहो आपके पास एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट डाल सकते हो, अदरवाइज आप अगर डिस्टेंस डालना चाहो तो डिस्टेंस भी डाल सकते हो। हमने डिस्टेंस की 10 ले ली। अब ये आपकी डिस्टेंस 10 हो गया, यानी इसका इधर का डाया जो हो 10 हो गया। अब आप अगर इसको एलिप्स करना चाहते हो, अब इसमें रेडियस डालनी होती है। रेडियस इतना ही यहाँ से आप डॉट लाइन में शो कर रहा है, ये सेंटर पॉइंट से इतना ही डालना होगा। तो अगर हम इसको रेडियस इसकी 5 कर देते हैं तो ये पूरा सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। बट मुझे सर्कल नहीं चाहिए, इलिप्स है तो इलिप्स की तरह होना चाहिए। तो हम अगर इसका रेडियस 2 डाल दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा रेडी बन के रेडी हो गया है। अब इसका डायमीटर चेक कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका डायमीटर देखो, रेडियस 2 डाली थी तो डायमीटर इसका 4 हो गया। देन ये आपकी जो डायमीटर ये वाला देखो, 10 डाली थी इसकी डिस्टेंस, तो इसका डायमीटर 10 है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है गाइस। और नेक्स्ट अगर बात करें इसको सेंटर से बनाने की, अगर आपके पास कोई सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से बनाना चाहते हैं तो सिंपली EL एंटर करो। देन सेंटर पॉइंट सेंटर के लिए C एंटर करो, C एंटर हो गया। अब आप कोई भी सेंटर पॉइंट चुन लीजिए, अभी आपका सेंटर पॉइंट है। अब इसमें आप डायमीटर डालने की कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप इसमें रेडियस डालिए। तो रेडियस माना कि हमारी 4 है, इसकी रेडियस 4 हो गई। ये अपने आप इसने ले लिया, देखो ये रेडियस हमारी 4 हो गई, तो ये इधर का भी 4 हो जाएगा, इसने 8 ले लिया होगा। जी हाँ, अब हमें इस तरफ की चाहिए, तो इस तरफ के लिए हमें मान लो 2 दे दिया हमने, तो ये इस तरह से रेडी हो गया अपन की। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हुआ है। तो इसका हम आपको डायमेंशन चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसका डायमीटर ये वाला देखो 8 रखा, ये 8 हो गया था, 4 डाला था। एंड देन इसका आप डायमीटर देख लीजिए, इसका 2 डाला था तो ये डायमीटर 4 है। तो इस तरह से आपका इलिप्स बन के रेडी होता है। देन इलिप्स आर्क के बारे में अगर आपको बता दें तो इलिप्स आर्क किस तरह से ड्रा होता है। इलिप्स आर्क यहाँ पे ये वाली कमांड जो है आपकी, ये इलिप्स आर्क की है। तो इलिप्स आर्क ले रहे हैं यहाँ पे, इसका इसमें भी सेम है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक मांग रहा है तो फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर देंगे। देन सेकंड पॉइंट डालना चाहो सेकंड पॉइंट क्लिक कर सकते हो, अगर अदरवाइज आप कोई भी डायमेंशन डाल सकते हो। तो मैंने 8 डाल दिया। नेक्स्ट है ये सेम इलिप्स की तरह ही पूछ रहा है इसका डायमीटर कितना रखना है। तो इसका रेडियस कितना रखना, रेडियस इसका हमने डाल दिया 3 एंटर।
अब ये पूछ भाई, अब आपको कहाँ से कितना कट करना है, कहाँ से कितना बनाना है। अब ये जो होता है कि यहाँ से अगर इस डायरेक्शन से यहाँ से हमें काटना है तो यहाँ से एंटर कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब ये आप देख सकते हैं इस साइड का, ये जहाँ से जितना भी हटाना चाहो उतना आप हटा सकते हो, जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। आप देख सकते हैं आधा रखना चाहो तो आधा रख सकते हो, और बंद चौथाई रखना हो। अगर इस चीज से 90 डिग्री पे क्यों मोड हो रहा, क्यों इसका अर्थो मोड ऑन है। अब अगर अर्थो मोड ऑफ करके हम आपको बना के दिखाएं तो आप देख सकते हैं इस तरह से रेडी होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लिक, देन 10, 8 इंटर, देन 4, 3 इंटर। अब इसको हम चाहें तो किसी भी एंगल पे मोड़ के इसको काट के हटा सकते हैं। अब माना यहाँ से हमें चाहिए तो इतना हम बिल्कुल हटा सकते हैं, कितना भी छोड़ सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं। अगर इसी एंगल में हटाना है इसी के बराबर तो इतना हटा दो, ये लो। इस तरह से आप आकृति किसी भी आकृति में बना सकते हो, जितना भी आप चाहो उतना आर्क को बना सकते हैं। तो ये आपका इलिप्स आर्क हो गया। वो आर्क दूसरा होता है, उस आर्क के लिए आपको ए एंटर करके ये वाला आर्क आ जाएगा, ये यहाँ पे मिलेगा एरा। ये आर्क 3 पॉइंट वाला होता है, इसको कोई भी 3 पॉइंट दोगे ये आर्क बन के रेडी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और इससे पहले आपको हमारे चैनल पे अगर इससे कोई भी जानकारी मिली हो, थोड़ी बहुत जानकारी सीखने को मिली हो नहीं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी वीडियो वॉच कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाय।